देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन बीजेपी लेकर आई थी अपने उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट दोस्तों। इसके बाद भाजपा को लिस्ट ही वापस करनी पड़ी है। बताएंगे आपको किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही जमकर बवाल काटा है। इसी बीच चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनावी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है, ताकि जैसे तैसे चुनाव को बचाया जाए। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी अब बीजेपी से कभी नहीं करेंगे गठबंधन कर दिया है ऐलान, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग रहे थे न्याय, लेकिन न्याय के दिन चल रहा था पूरा नाच गाना। बताएंगे कहां पर भाजपाइयों के कृतों की थू थू हुई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि टिकटॉक के बंटवारे के बाद मचे घमासान के बाद ये तय है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% जाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय संविधान जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर 3 चरणों में चुनाव होने वाले, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया कि बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, और पूरे लिस्ट की डिटेल भी आ गई थी। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग सीटों से अलग अलग उम्मीदवार उतारे गए थे। पंपोर से सैयद शौकत मयूर को उतारा गया था, जबकि राजपुरा से अर्शद भट्ट को मैदान में उतारा गया था। सोफिया से जावेद अहमद को और अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी को बीजेपी ने टिकट दिया था। इसी के साथ ही अन्य टिकटों को लेकर भी अनाउंसमेंट सामने आया था दोस्तों, लेकिन कुछ देर के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को अपना ये लिस्ट वापस लेना पड़ा है। इस पर सुरेंद्र राजपूत की ओर से निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आने वाले चुनाव से डरी हुई है, पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करती है फिर वापस ले लेती है, ये सहयोग नहीं है, ये प्रयोग नहीं, सिर्फ डर है। हार का डर भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक व्याप्त दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नेताओं को इतना डर लग रहा है कि लिस्ट भी जारी करने के बाद उनको थोड़े से विरोध होते ही बैकफुट पर जाना पड़ गया है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में हर जगह लगभग बवाल देखने को मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 2 नए लिस्ट ऐड किए गए हैं। इसमें 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, यानी पहले 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे, लेकिन उसे वापस लेकर अब मात्र 16 उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकट बंटवारे के बाद फिर भी बवाल मचाते दिखाई दिए। बीजेपी के नेताओं को टिकट नहीं मिलने पर कार्यालय में जमकर बवाल देखने को मिला। एससी मोर्चा के अध्यक्ष ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। एससी मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश भगत ने कहा कि मैं पिछले 18 साल से भाजपा के लिए दिन रात काम कर रहा हूं, लेकिन आज मेरे साथ अन्याय हुआ है। एसएसपी मोहनलाल 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें मैंडेट दे दिया गया है। अगर इस मैंडेट को रोका नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बीजेपी को प्रचंड विरोध का डर सता रहा था, इसीलिए भाजपा ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट वापस करके मात्र 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे करके लोग प्रदर्शन करेंगे, उनको मना लिया जाएगा और फिर स्थिति को आगे शांत करते हुए फिर से आगे घोषणा कर दी जाएगी। यानी लगातार लिस्ट ऐसे जारी किया जाएगा कि विरोध एक साथ ना हो, थोड़े थोड़े करके कम हो, ताकि एक मैसेज ना जाए कि बीजेपी के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता ही खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि विरोध केवल चुनाव से पहले नहीं होगा, चुनाव के दरमियान भी होगा, और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि वोटों का डिवीजन जब होगा तो किस तरीके से भाजपा के कैंडिडेट को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। सांसद दुष्यंत चौटाला बोले, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि कभी अब ऐसा नहीं होगा कि वो बीजेपी में जाएंगे। हालांकि दुष्यंत चौटाला की बातों पर विश्वास करेगा कौन, क्योंकि इससे पहले उनकी पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही थी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद बीजेपी को यमुना पार कर देना यानी बुरी तरीके से चुनाव हरा देने की बातें भी कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो शायद मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और उनके पिता को फिर जेल से बाहर कर दिया गया। तो अब गठबंधन से बाहर आ गए हैं, उनके पिता जेल से बाहर आ गए, उनका काम भी हो गया, भाजपा भी काम हो गया। उन्होंने कम सीटें होने के बावजूद बहुमत की सरकार चला ली और अब 4.5 साल सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री तक बदल दिया। अब दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर उनके विचार 6 महीने पहले से ही बदले होते तो फिर लोग उन पर विश्वास भी करते, क्योंकि सरकार उस समय गिर गई होती, लेकिन अब क्योंकि 6 महीने जब बचे हुए थे चुनाव होने के लिए तब जाकर उनके विचार बदल रहे हैं। क्या आप मानते दोस्तों कि दुष्यंत चौटाला ये सही कह रहे हैं या फिर से लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? साथ साथ भाजपा वाले कुछ ऐसे कोलकाता में हुए विभत्स बलात्कार कांड का विरोध कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया, इसमें दावा किया गया है कि एक मंच लगा हुआ है, इसमें वी वॉन्ट जस्टिस और मोमिता के न्याय की मांग की जा रही है। दोस्तों कोलकाता रेप कांड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के जो मंच पर दिख रहा है उसमें एक लड़की नाच गाना करती नजर आ रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि कोई पैसा देकर बुलाया गया है नाचने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे हैं कि बीजेपी के मंच से इस तरीके की हरकतें की जा रही है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा विरोध के नाम पर पोस्टर से काम चला रहे हैं, भाजपा बलात्कार के नाम पर सिर्फ गंदी राजनीति करती है, शर्म नहीं आती इन भाजपा वालों को, और देश के मीडिया वालों को भी थोड़े 2-4 इस पूरे मामले पर न्यूज दिखाने चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे जस्टिस के नाम पर अपमान किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ वास्तविक घरेलू आय में गिरावट आई है। कांग्रेस पार्टी रविवार को दावा किया है कि धीमी वेतन वृद्धि और कमर तोड़
और महंगाई के कारण वास्तविक घरेलू आय में अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिली है। शुतुरमुर्ग वाली कहावत की तरह सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष खड़ी सबसे बुनियादी चुनौती के प्रति आंखें बंद करे हुए है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एक जानी मानी ब्रोकरेज कंपनी की नई रिपोर्ट के बारे में फिर उस सच्चाई को सामने ला दिया है जिसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार नकारती रही है। भारत में वास्तविक घरेलू आय यानी इनकम और सेविंग कम होती चली जा रही है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि धीमी वेतन वृद्धि और कमर तोड़ महंगाई के कारण वास्तविक मजदूरी महंगाई के हिसाब से समायोजित वेतन या कहे यूं कि आय में अभूतपूर्व गिरावट आई है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग क्या इस रिपोर्ट पर कोई बयान देने की कोशिश भी करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। वहीं पर रणदीप सुरजेवाला बोले, कहा कंगना रनौत जी गेट वेल सून, जल्दी अच्छी हो जाओ। आखिर भाजपा वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है? भाजपा ने तो हमेशा हमारे अन्नदाता पर झूठ फरेब साजिश और अत्याचार किए हैं और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी की सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया है। सवाल ये है कि क्या कंगना ने बीजेपी का चुनावी रणनीति के हिसाब से किसानों पर ये घटिया आरोप लगाए हैं क्या? दूसरा ये है कि क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने लिखी है, ये दूसरा सवाल है। दोस्तों तीसरा ये कि अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के सांसद विधायक इस पर खामोश क्यों है? अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर से एक ऑफिशियल बयान देते हुए कंगना रनौत के बयान से अपने आप को अलग किया गया है दोस्तों। लेकिन हरियाणा के अंदर किसानी और जवानी को लेकर लोग काफी भावुक है। लोग युवाओं पर विश्वास रखते हैं इसीलिए खेल शक्ति में हरियाणा सबसे आगे है। किसानों की बात करें तो हरियाणा देश के अंदर सबसे ज्यादा फसल उगाने वाले राज्यों में से एक है और किसान आंदोलन हरियाणा के आधार पर ही चल रहा था। हरियाणा ने अपने दम पर ही किसान आंदोलन को मजबूती से खड़ा रखा हुआ था। पंजाब हरियाणा दोनों मिलकर किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और ऐसे में दोस्तों चुनाव क्योंकि हरियाणा में होने वाले और कंगना रनौत ने किसानों का अपमान करते हुए साफ तौर पर दोस्तों किसानों के आंदोलन को ही अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा दोस्तों, क्या हरियाणा के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? साथ साथ बीएसपी के आत्मसम्मान का फैसला अटल है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की अफवाहों को खारिज करते हुए कि वो सक्रिय राजनीति में लगातार बनी रहेगी। संन्यास लेने की जो खबरें फैलाई जा रही है पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ होने पर अस्वस्थ होने के हालात में बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है तब से जातिवादी लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। मायावती ने सोमवार को पोस्ट करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं ले रही है, राजनीति लगातार करती रहेंगी। साथ साथ दोस्तों एलजी साहब की चोरी पकड़ी गई है, क्या दिल्ली के एलजी साहब अब इस्तीफा देंगे? दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए के एक मेल से दिल्ली के एलजी एक्सपोज हो गए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए कि सर्दियां आते ही समूचे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी द्वारा बिठाए गए एलजी ने रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ कटवाए हैं। केंद्र की डीडीए के साथ जिस ठेकेदार ने पेड़ काटे हैं उसके हलफनामे से साफ हो गया है कि एलजी के आदेश के बाद ये पेड़ काटा गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए द्वारा जिस कंपनी को ये सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि डीडीए की तरफ से आदेश दिया गया था। 3 फरवरी 2024 को एलजी ने वहां पर विजिट भी किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ही हस्ताक्षर करते हुए पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी और अब एलजी की चोरी पकड़ी गई है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल पूछा गया है दोस्तों। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट है। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती के परिवार के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं इंजीनियर रशीद जो इस बार सांसद बन गए हैं। 3 दर्जन उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे हैं जिससे चुनावी समीकरण श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर बदल सकता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।